online video classes. Now we are going to discuss section 31 of the CRPC. Section 31 is sentence in cases of conviction of several offences at one trial. Section 31 कहाँ applicable होगा कि जहाँ एक ही trial में एक ही विचारण में एक से अधिक अपराधों का विचारण किया जाता है, एक ही विचारण में एक से अधिक अपराध शामिल है, एक ही अपराधी ने एक से ज्यादा अपराध किए हुए हैं, तो उस केस में अगर सेंटेंस होती है, सजा होती है, तो वो कितनी होगी? दैट इज सेक्शन 31. नाउ वी शैल टेक सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 इज व्हेन अ पर्सन इज convicted at one trial. And what is the meaning of at one trial? ये at one trial का meaning क्या है? At one trial mean जहां एक ही विचार में, एक ही trial में एक से ज्यादा ऑफेंसेस को ट्राई किया जाता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एट वन ट्रायल. व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, जब किसी आदमी को कन्विक्ट किया जा चुका है, दोषित किया जा चुका है, एट वन ट्रायल ऑफ टू और मोर ऑफेंसेस, दो या उससे ज्यादा अपराधों के लिए, द कोर्ट में What is the meaning of may? Subject to the provision of section 71 of the IPC. Meaning thereby, court कर सकती है, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? धारा 71 के अधीन रहते हुए, 71 of the IPC. आप देख लें कि 71 में कुछ कुछ बातें लिखी हैं कि जहां एक ही टाइम में एक से ज्यादा अपराध की बात आती है, तो उस केस में हम किस चीज को एक से ज्यादा अपराध कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे. दैट इज रिटन इन सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी. तो सेक्शन 31 ऑफ द सीआरपीसी इज सब्जेक्ट टू द, और सब्जेक्ट टू का मीनिंग क्या है कि उसके अधीन रहते हुए. 71 इज अबव एंड 31 इज बिलो 71 आईपीसी, उससे नीचे है, उसके अधीन है. खैर, सेंटेंस ही फॉर सच ऑफेंसेस, कि कोई भी कोर्ट 71 के अधीन रहते हुए जहां एक ही ट्रायल में दो या दो से अधिक अपराधों का विचारण किया जाता है, तो उस अपराधी को सजा दे सकती है, सेंटेंस कर सकती है. मीनिंग देयर बाय मे सेंटेंस, may sentence him for such offences. Such offences का meaning क्या है? Such offences का meaning है जो अपराध एक trial में try किए जा रहे हैं, जिनको try किया जा रहा है, for the same, एक ही ट्रायल में. द कोर्ट मे सेंटेंस फॉर सच ऑफेंसेस, इस तरह के अपराधों के लिए कोर्ट सेंटेंस दे सकती है. मीनिंग देयर बाय, देखिए हम जो आपको बता रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे सेंटेंस. मे सेंटेंस का मीनिंग यह है कि यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट हर एक ऑफेंस के लिए सेपरेट सेंटेंस दे. जैसे किसी एक्स नाम के आदमी ने चार ऑफेंसेस किए हैं, चार ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल चलेगा, दैट इज ऑब्वियस. तो उन चारों ऑफेंसेस के लिए ये जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि
कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रायल कोर्ट हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग सजा प्रदान करे, दैट इज द मीनिंग ऑफ मे सेंटेंस, ऐसा कर सकती है, दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। हर एक बार फिर समझे कि मे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि टू पास सेपरेट सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफेंस, हर एक अपराध के लिए अलग सेंटेंस पास करना ऑब्लिगेटरी नहीं है बल्कि क्या है, ऑप्शनल है। तो इसलिए यहां लिखा है मे सेंटेंस। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ टू और मोर ऑफेंसेस द कोर्ट मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी सेंटेंस मे सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस टू द सेवरल पुनिशमेंट प्रिस्क्राइब देयर फॉर, जो भी प्रिस्क्राइब है आईपीसी में हर एक ऑफेंस के लिए सेंटेंस प्रिस्क्राइब है, विच सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है, कॉम्पिटेंसी कहां है कोर्ट की, अंडर सेक्शन 79 सीआरपीसी, कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट द मीनिंग देयर बाय सब्जेक्ट टू सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी। सच पुनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इंप्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, इसके लिए एक नाम है कंसेक्यूटिव। कि जहां सेंटेंसेस शैल बी इन सच ए मैनर दैट वन शैल एक्सपायर एंड आफ्टर दैट द अदर सेंटेंस शैल कमेंस, अगर तरीका यही है तो दैट इज नोन एज कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस। तो इसमें लिखा सच पुनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इंप्रिजनमेंट, जब इस तरह से बनी हुई है कंसिस्ट की हुई है इंप्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर ऑफ इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट मे डायरेक्ट, कि जैसा कोर्ट डायरेक्ट करना चाहे मे डायरेक्ट, तो उस तरह से कंसेक्यूटिव के केस में सेंटेंसेस चलेंगी। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है, जैसे किसी आदमी ने चार ऑफेंसेस किए हैं तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि चार ऑफेंसेस की जो सजा है जो सेंटेंस है वो अपराधी कैसे भुगते, हो सकता है एक 3 साल की सजा, एक 2 की, एक 5 की, एक एक ही साल की सजा का कोई अपराध उसने किया है, तो कोर्ट इस तरह से डायरेक्ट कर सकती है कि पहले 5 साल पूरे होंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस तरह से मैनर तरीका कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। अनलेस, नहीं तो कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पुनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, मीनिंग देयर बाय अगर कोर्ट इस तरह से कंसेक्यूटिव के लिए कोई तरीका डायरेक्ट करती है तो उस तरह से सजा अपराधी को भुगतनी होगी, अदरवाइज अगर कोर्ट कहती है कि ये सभी सजाएं कंकरेंटली चलेंगी, कंकरेंटली का मीनिंग क्या है, एक साथ का मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 3 सजा उन्होंने दी है, एक ऑफेंस के लिए 1 ईयर, दूसरे के लिए 2 ईयर और तीसरे के लिए 3 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, फॉर एग्जाम्पल। इन दिस केस अगर ये कंसेक्यूटिव होती हैं तो पहले जिस भी ऑर्डर में चलेंगी जैसा कोर्ट डायरेक्ट करना चाहे, कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, आफ्टर दैट 2 एंड देन 1,
तो इस मैनर में चलेंगी। लेकिन अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ऑल द थ्री सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली, तो कंकरेंटली का मीनिंग हम आपको बता रहे हैं, तो कंकरेंटली मीन्स कि अगर किसी अपराधी ने 2 साल अपने पूरे कर लिए हैं तो मीनिंग देयर बाय 1 ईयर जो इंप्रिजनमेंट था वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और अगर किसी उसी केस में इफ एन ऑफेंडर कंप्लीट्स हिज 3 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, मीनिंग देयर बाय 2 ईयर एंड 1 ईयर सेल कलैप्स, सेल एलिमिनेट। लिसन दिस वंस मोर, इसका मीनिंग ये है, कंकरेंटली का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही इन तीन सजाओं में 3 वर्ष की सजा पूरी होती है तो 1 और 2 इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे, वो एक साथ चल रहे हैं। जैसे 2 साल की सजा पूरी हुई तो 1 साल इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे 3 साल पूरे हुए 2 साल और 1 साल इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाए। दैट इज कंकरेंटली, एक साथ। और कंसेक्यूटिव का मीनिंग पहले ये, फिर ये और फिर ये, 3 और 2 5 और 1 6, 6 years imprisonment in case of consecutive sentences and in concurrent only 3 years, क्योंकि जैसे ही 3 साल पूरे हुए 2 और 1 इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहां लिखा है कि such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, कि consecutive sentences जो है that is rule, ये rule है कि अगर किसी offender ने एक से अधिक offences किए हैं और court ने अलग अलग सजाएं दी हैं तो उस केस में एक के बाद एक सजा उसको पूरी करनी होगी, that is rule। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है या इसका अदर फेस क्या है, दूसरा पहलू क्या हो सकता है इस केस में, तो वो दूसरा पहलू हो सकता है कि अगर कोर्ट ये डायरेक्ट कर दे कि नाउ ऑल दीज सेंटेंसेस शैल नॉट रन कंसेक्यूटिव बट दे शैल रन कंकरेंटली, तो दैट इज एन एक्सेप्शन, वो अपवाद है और कंसेक्यूटिव एक रूल है। क्या लिखा है कि सच पुनिशमेंट वेन कंसिस्टिंग ऑफ इंप्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट, अनलेस जब तक नहीं द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पुनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, कि जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि ये जो सजाएं हैं ये कंकरेंटली चलेंगी, एक साथ चलेंगी, तब तक ये सभी सजाएं एक के बाद एक भुगती जाएंगी, जिसको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। देखिए, इफ आई एम टू टॉक अबाउट द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है एंड दैट केस इज मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेंटेंसेस फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर सिंगल ट्रांजैक्शन मस्ट रन कंकरेंटली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि एक ही ट्रांजैक्शन में अगर एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए जाते हैं तो उनकी सजाएं कंकरेंटली रन करनी चाहिए, ना कि कंसेक्यूटिवली। मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। खैर,
सबसेक्शन वन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी. कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसेक्शन टू. इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before a higher court. इसमें कहा कि consecutive sentences के केस में अगर कोई कोर्ट इतनी सजा कर देती है जो कि सेक्शन 29 का एक प्रकार से वायलेशन हो जाता है, जैसे द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की एक लिमिट है, वहां तक सेंटेंस कर सकती है, लेकिन सेक्शन 31 के केस में कंसेक्यूटिव सेंटेंस इज अ रूल. अगर उस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो सजा करने की पावर है, सेंटेंस की जो पावर है, अगर वो कुछ एक्सेस कर जाती है, तो सबसेक्शन टू कहता है कि उसके लिए उस केस को हायर अथॉरिटी के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है. एक जेएमआईसी भी सेक्शन 31 के केस में, जहां एक से ज्यादा ऑफेंसिव को वो ट्राई कर रहा है, उस केस में वो अपनी जो पावर है सेंटेंस की, उससे ज्यादा सेंटेंस पास कर सकता है. कहा लिखा है सबसेक्शन टू कि कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस के केस में अगर कोई कोर्ट जितनी उसकी पावर है सेंटेंस पास करने की, अगर उससे ज्यादा भी सेंटेंस पास कर देती है, तो उस केस में हायर अथॉरिटी के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है. जैसे जेएमआईसी साहब को अगर उनकी मान लिया, एज यू नो, 3 years लिमिट है कि 3 साल तक की सेंटेंस पास कर सकते हैं, अगर उस केस में अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस 9 साल या 8 साल हो गई है, 7 वर्ष हो गई है, 6 वर्ष हो गई है, तो उस केस में उनको उस केस को सीजेएम साहब के पास भेजने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट. लेकिन प्रोविजन क्लॉज में क्या लिखा है, इन नो केस सेल दैट इज मैंडेटरी, इन नो केस सेल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट ऑफ ए फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 years. लेकिन किसी भी केस में, इन नो केस सेल दैट इज एन ऑब्लिगेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी है कि किसी भी केस में ऑफेंडर को, अपराधी की जो सजा की जो मात्रा है वो 14 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी. तो मैक्सिमम लिमिट 14 years. इन नो केस ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है. कीप दिस थिंग इन माइंड कि किसी भी केस में 14 वर्ष से ज्यादा हो ही नहीं सकती. क्लॉज बी, प्रोवाइडेड दैट द एग्रीगेट पुनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पुनिशमेंट विच द कोर्ट इज कंपिटेंट टू इनफ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस. दूसरा क्या लिखा, मैक्सिमम 14 years. सेकेंड, ट्वाइस, दो दैट इज कॉम्पिटेंट फॉर सिंगल ऑफेंस. कि सिंगल ऑफेंस के लिए जितनी पावर है सेंटेंस पास करने की,
उससे दोगुनी नहीं होगी, दोगुना से ज्यादा नहीं होगी। देखिए हम आपका कंफ्यूजन दूर कर दें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर कंपिटेंसी की बात करूं तो असिस्टेंट सेशन जज मे पास अप टू 10 ईयर्स, भाई 10 साल तक की पास कर सकता है और दो गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाय दो गुना हुई 20 ईयर्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि असिस्टेंट सेशन जज साहब 20 ईयर्स इंप्रिजनमेंट पास कर सकता है। नो, इस केस में मैक्सिमम लिमिट 14 ईयर्स अप्लाई होगी। ही कैन नॉट पास 20 ईयर्स, ओनली द 14 ईयर्स इंप्रिजनमेंट में भी पास्ट। टवाइस की जो दो गुना कंपिटेंट फॉर सिंगल ऑफेंस की जो पावर है या जो डिस्क्रेशन है, सेल भी वो उसको ध्यान में रखेंगे आप जो ये 14 ईयर्स को, यहां तक हो सकता है, लेकिन अगर 10 into 2 20 ईयर्स, नो, कितना होगा 14 ईयर्स। देर इज अ केस चतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इसी के ऊपर एक केस है। चतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 20 इयर्स की जो इंप्रिजनमेंट थी उसको सेट असाइड किया था। 20 इयर्स इंप्रिजनमेंट को सेट असाइड करते हुए कहा कि इन नो केस द कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेस कुड बी लॉन्गर फॉर द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, कि 20 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट पास नहीं की जा सकती क्योंकि यहां कैप एंड द कैप इज फॉर 14 ईयर्स। कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये प्रोविजन क्लॉज को अप्लाई आप कैसे करेंगे। नाउ इज सबसेक्शन थ्री इज फॉर द पर्पजेज ऑफ अपील बाई ए कन्विक्टेड पर्सन। अगर एक कोई कन्विक्टेड पर्सन अपील करना चाहे, इन दैट केस उस केस में क्या होगा, द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, एक के बाद एक सेंटेंस उसको, दैट इज कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, अगर उनको जोड़े, द एग्रीगेट, एग्रीगेट टर्म मीन कुल, जमा किसका, एग्रीगेट सेंटेंसेस का कुल टोटल पास्ट अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस। अगर अपील के पर्पज से देखें तो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक ही सेंटेंस के रूप में देखेंगे, दैट इज अंडर सबसेक्शन थ्री फॉर द पर्पज ऑफ अपील। एक बार फिर देखें कि फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस का एग्रीगेट टोटल शैल बी अगेंस्ट हिम शैल बी डीम्ड टू बी अ सिंगल सेंटेंस, कि उसको जोड़ करके जो हम देखेंगे वो एक ही सेंटेंस मानी जाएगी, उनका जो टोटल है उनका जो जोड़ है दैट इज अ सिंगल सेंटेंस। नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट माइट अराइज इन योर माइंड्स, दैट व्हाट इन द केस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, कि देखो लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में क्या है। चलो ठीक है, यहां भी मैथमेटिक्स समझ में आया कुछ कुछ, बट व्हाट इन द केस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो द क्वेश्चन अराइजेज डज द लाइफ इंप्रिजनमेंट इन डज द टर्म इंप्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 31 इंक्लूड्स लाइफ इंप्रिजनमेंट एज वेल। माय आंसर इज यस, दैट इज सो, ऐसा है कि यहां जो इंप्रिजनमेंट है उस केस में, उस इंप्रिजनमेंट में लाइफ इंप्रिजनमेंट भी शामिल है।
imprisonment includes life imprisonment as well. तो आप जो provision imprisonment के case में apply करेंगे तो it is necessary that all these provisions shall also applicable in the case of life imprisonment as well. Now आप इस सेक्शन के साथ और कौन सा सेक्शन पढ़े, तो हमने लिख दिया है कि सेक्शन 31 रीड विद सेक्शन 427 सीआरपीसी. आप इस सेक्शन 31 के साथ सेक्शन 427 सीआरपीसी भी पढ़े. आप देखिए एक बार वहां कनेक्शन है सेक्शन 31 और 427 का. आई थिंक in this way we have discussed section 31 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.